ठीक है। तो दो रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, एक 6 ओम का है, एक 4 ओम का। इन दोनों को सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए। और एक 20 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट कर दी। 20 वोल्ट की सप्लाई जब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक करंट आई फ्लो करने लगेगा। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, हमसे ये वाला करंट पूछा है। तो करंट किसके बराबर होता है, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये करंट एक है, वोल्टेज भी एक होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी एक होना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2, तो इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे, वो हो जाएगा 6 और 4 10, और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा हमारा, वोल्टेज तो है ही 20। अब इस करंट को हमें निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 / 10 = 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट जो आ जाएगा वो बेसिकली 2 एम्पियर आ जाएगा थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। तो यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है खाली 6 के अक्रॉस V6 बेसिकली हमसे पूछा है, तो V6 पूछा है। तो आप इसके इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए। तो V6 अगर हमसे पूछा है तो हम लिखेंगे 6 / 6 + 4 × टोटल वोल्टेज। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 × 20 / 10 = 12 वोल्ट। एक दूसरा तरीका क्या था V6 निकालने का, कि हम I को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। I किसके बराबर है भाई, I किसके बराबर है, I 2 एम्पियर के बराबर है भाई, किसके बराबर है बताओ, 2 एम्पियर के बराबर है ना, निकाला है यहाँ पे 2 एम्पियर के बराबर है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 12 वोल्ट आएगा। तो बोथ आर द वेज टू कैलकुलेट द वैल्यू अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, ओके। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम्स, 100 ओम्स का एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, किसकी खड़बड़ खड़बड़ बोल रही है भाई, ये म्यूट कर दिया करो अपना, ये वो आवाज आती रहती है ना, रिकॉर्ड होती रहती है। ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम्स, तो एक टोस्टर है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम्स। याद रखना जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना ही कम वोल्टेज का चीज होगी, जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो उतनी ही कम एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, सॉरी वो उतनी ही कम एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। तो लैंप है आपका, टोस्टर है और आपका वाटर फिल्टर है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी याद रखिएगा, ये घरों में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ये सारे के सारे पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कोई इक्विपमेंट कनेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं, सारे इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, सिर्फ आपके जो फ्यूज होते हैं या MCBs होती हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो आपके फ्यूज एंड MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं ये किस में कनेक्ट होते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, एंड ऑल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये भी एक नॉलेज वाली चीज है, कभी सवाल पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है। तो ये सब पैरेलल में कनेक्ट हो गए, 220 वोल्टेज की सप्लाई दे दी हमने। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that makes as much current as all these three appliances, and what is the current through it? एक थोड़ा सा पेचीदा सा सवाल है। इन्होंने ये कहा कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, तीनों लोड को एक साथ यूज करते हैं पैरेलल में, तो और एक इलेक्ट्रिक आयरन को अलग से करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन को अलग से करते हैं, अगर सेम करंट प्लॉट करे वो, सेम करंट ड्रॉ करे वो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सर्किट बना के बताता हूं,
ठीक है। सपोज एक तो आपका ये इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, क्या चीज हो गई, ये इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। दूसरा क्या था भाई, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, और तीसरा क्या था बताओ, फिल्टर है, वाटर फिल्टर हो गया। इलेक्ट्रिक लैंप का कितना रेजिस्टेंस था, 100 था, टोस्टर का 50 था, तो इलेक्ट्रिक लैंप का कितना था, 100 था, टोस्टर का 50 था, वाटर फिल्टर का 500 था। अगर ये हमने पैरेलल में लगा दिए, और सप्लाई कितनी दी इनको, सप्लाई 220 वोल्ट थी, सप्लाई इनको दी हमने 220 वोल्ट दे दी इनको हमने सप्लाई, बात समझ में। अब यू कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन हमारी ऐसी है कि उसको अगर हम, वो अकेली ऐसी है, ठीक है, वो क्या चीज है, इलेक्ट्रिक आयरन ऐसी है कि वो अकेली ऐसी है कि वो सेम करंट ड्रॉ करती है, यानी जो करंट यहां पर है वही करंट यहां पर अकेली ये इतना ड्रॉ करती है, यानी इन तीनों के बराबर उसकी अकेले की पावर है। इसका मतलब हो गया ये तीनों एक तरफ और ये अकेली एक तरफ, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक आयरन का हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसका क्या पूछा है हमसे, इसका आर पूछा, समझ में आ गई बात या नहीं, इसका हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है। बहुत सिंपल है, तुम इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वो इसके आर के बराबर हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि ये करंट सेम दे दिया ना, यहां का करंट और यहां का करंट ये सेम दे दिया, आई इज सेम इन बोथ सर्किट्स, क्योंकि आई सेम दे दिया, वोल्टेज भी सेम है, ये यहां पर भी 220 वोल्ट है और यहां पर भी 220 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस भी तो सेम होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि हम ये 100, 50 और 500 इनको पैरेलल में निकाल लें, इनको क्या करें हम पैरेलल में निकाल लें, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन किसके बराबर हो जाएगा बताओ भाई, 1/100, 1/50, 1/500, इनका रेसिप्रोकल, नहीं आ रही बात समझ में, 100, 50, 500 इनका रेसिप्रोकल निकाल लेते, तो यहां पर एलसीएम में तो 500 आ जाएगा, यहां होगा 5, यहां होगा 10, यहां होगा 11, सॉरी यहां होगा खाली 1, और इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, किसके बराबर हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5 और 10 15 और 1 16, तो 16 ओम्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो बराबर है 500/16। अब 500/16 लिखने में अगर शर्म आ रही है तो इसको कैलकुलेट कर लो, बताओ भाई कितना होगा 500/16, 62.5, कितना, 62.5 ओम्स, ठीक है। तो ये इस आयरन का आपके करंट वो होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब अगर हमें करंट निकालना है, आई निकालना है, तो बेसिकली वोल्टेज अपॉन आर लिख दीजिए, वोल्टेज है 220 और रेजिस्टेंस है 62.5, ये एम्पियर में आएगा, बताओ भी कितना होगा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 62.5 ओम्स, 3.52 एम्पियर्स, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना बहुत अच्छी तरीके से, सर इसमें रेजिस्टेंस जो बताया है ये नहीं बोला, अब सुन लो पूरी बात सुन लिया करो, मैं रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। अब ये करंट अगर कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पर, तो ये भी कितना आएगा, ये भी उतना ही आएगा, कितना आएगा जितना ये आया है, ये जो 3.52 एम्पियर करंट आया है ना, अगर यहाँ का करंट निकालोगे ना, अगर यहाँ का ये वाला करंट अगर निकालोगे ये वाला, तो ये भी 3.52 ही आएगा अगर तुमने कैलकुलेशन सही किया है,
आप पूछो क्या पूछ रहे हो मुझसे? ये जो सर जो 500 डिवाइडेड 16 किए उसका आंसर एक को पूछने दो, एक को पूछने दो, ये जो शाबाश पूछ रहे हैं उन्हें पूछने दो। आप पूछो ये खंड 500 जो 16 है इसका कैलकुलेशन आएगा 31.25 आएगा। क्या चीज? ये 516 है ना? हां ये 500 जो है ना 516 जो है ना 500 16 नहीं 516 ठीक है तो ये चेक कर लेना करेंट कर लेना तो ये करेंट भी फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा ठीक है सही से किया करो भाई कैलकुलेशन ठीक है। तो इस सबको चेक कर लेना दोबारा से, ठीक है, इस सबको दोबारा से चेक कर लेना कैलकुलेशन। अब हमारे सवाल हो गए ऑफ एक्विपमेंट का इक्वल होगा सर। क्या चीज? ये जो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन जो है ये तीनों का इक्वल होगा? होगा नहीं, ये प्रॉब्लम में दे रखा है, होगा नहीं ये हमें बता रखा है। प्रॉब्लम पढ़ो ना, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all these three implies? to ye hame hidden way mein bata rakha hai, current kyunki same hai to resistance bhi same hi hoga kyunki voltage same hai, theek hai? now panchwa problem aapki theek ho gayi, ab main ek student ne problem bheji thi usko aur dekh leta hu। अरे कहाँ चली गई? एक प्रॉब्लम ये है, इसको भी देख लेते हैं। अरे फोटो भी कैसा कैसा, ये अब ये प्रॉब्लम है। अरे नजर आ रही है तुमको? यस सर आ रही। हाँ, ये लिखा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जज का मतलब यहाँ पर ये आमतौर से इस तरह का सवाल कंपटीशन में नहीं आता। जज के लिए पूछा है कि एक ए पार्ट है, ये वाला ए पार्ट प्रॉब्लम सो नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम सो नहीं कर रहा स्क्रीन पे। बेटा स्क्रीन तो शेयर हो रही है सबको? यस सर। हाँ सबको जो हो रही है बेटा, तुम अपनी सेटिंग देखो, ठीक है। ए पार्ट है 1 ohm एंड 10 की पावर 6, ये बेसिकली 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 ohm एंड 10 की पावर 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एक तो 1 ohm का रेजिस्टेंस है और एक कितने ओम का है? एक है 10 ohm का, सॉरी 10 की पावर 6 ohm का। ये जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो बेसिकली आंसर जो आएगा आर इक्विवेलेंट वो तब आएगा 1 ohm से। भाई बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? है ना, बेसिकली जज करने वाली बात यही है। कैलकुलेट करने के लिए तो आप कैलकुलेट कर लो कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा 1/1 + 1/10 की पावर 6 ब्रैकेट में और फिर इसका इनवर्स। तो ये बेसिकली आपका कम ही आएगा किससे, 1 ohm से। तो जज करने वाली बात यही है कि कितना ही बड़ा आपने, ये कितना रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली 1 mega ohm है और ये पैरेलल में अगर कनेक्ट हो गया 1 ohm के, तो ये 1 mega ohm की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि 1 ohm से भी कम रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। अब ध्यान से देखो आगे का बी पार्ट है 1 ohm 10 की पावर 3 ohm 10 की पावर 6 ohm,
अगर इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, यानी नीचे लिख लेते हैं, एक ओम का एक रेजिस्टेंस ले लें, एक ओम का ले लें, और दूसरा रेजिस्टेंस ले लें हम 10^3 का, और तीसरा रेजिस्टेंस ले लें 10^6 का। बताना रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए सर? अभी 1 से कम आएगा। हाँ, अभी जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 1 से कम आएगा। देखो ये सवाल करने से फायदा क्या हो रहा है, हमारे हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, पैदा हो जाती है, और हम समझने लगते हैं चीजों को कि ये पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं 1 ओम, ये कितना है, ये 1000 है, कितना है ये 1000 है, ये अरे कैसे लिखते हैं 1000, ऐसे तो लिखते हैं, और ये कितना है, ये 1000 का भी 1000 गुना है, तो ये 1 मेगा ओम है, ये वाला क्या है 1 मेगा ओम है, ये क्या है 1 किलो ओम है, और ये क्या है, ये 1 ओम है। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो बेसिकली सबसे छोटे से भी कम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो भाई। यस सर। है ना? तो जज करने, ये जो वर्ड है ना, ये जज, जज द रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब यही है। तो अगर अब देखो होता क्या है, अब हम बेसिकली करते क्या है, करते ये है कि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, एक है मान लो R1 और एक है R2, अब ये तो R2 हो गया फॉर एग्जांपल, और ये R1 हो गया, तो इस वाले केस में R2, अरे क्या कर रहे हो, ये इसमें लाइनें क्यों बना रहे हो R1 तुम? R2 जो है मान लो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा R1 से। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो हम R इक्विवेलेंट को R1 के बराबर लिख सकते हैं। भाई ये बात समझ में आ गई तुम्हारे या नहीं सबके? यस सर। और अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए तो R इक्विवेलेंट को हम R2 के बराबर लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट को किसके बराबर लिख सकते हैं हम? R2 के बराबर। बड़े से बड़ा आता। हाँ नहीं, अब मेरी बात सुनो, पहले पूरी ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है दूसरे से, एक रेजिस्टेंस दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे यहां पर है, एक तो है 10^6 और एक है 1, समझ में आ रही है, एक 10^6 है और एक क्या है, एक है 1, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो पैरेलल वाले केस में हम क्या करेंगे, पैरेलल वाले केस में हम वैल्यू छोटे के बराबर लिख देंगे और सीरीज वाले केस में हम वैल्यू बड़े के बराबर लिख देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो भाई। यस सर। सो दिस इज सो। तो इस तरह के ये सब सारे सवाल हैं, इनको आप लोग जो है